Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Nigi. Today I am going to teach you the part 3 of LTN Lecturer Chemistry Examination 2020. So without wasting time, let's get started. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थ्री पार्ट वन में मैंने पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए बताया था पार्ट टू में हमने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम पढ़े हैं फंडामेंटल्स चीजें बताई थी और आज हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी कंप्लीट एक एक पॉइंट में सारी चीजें डिस्कस करूंगी आप नोट डाउन जरूर करिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद क्योंकि कुछ चीजें मैं बोल रही हूं लेकिन मैंने लिखा नहीं है तो आपको वो भी नोट डाउन करनी है सबसे पहले जो कैथोड रेस की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था जूलियस क्रुक ने तो ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रेस का जिससे कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो ये खोज किया था जूलियस प्लकर ने 1859 में वैसे कहीं कहीं ये मेंशन किया है विलियम क्रुक्स ने भी किया है बट ये एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर ने किया है केस जूलियस प्लकर ऑप्शन में ना हो तो आप कर सकते हैं तो ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट ठीक है डिस्चार्ज ट्यूब मीन्स विसर्जनली तो देखिएगा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज ट्यूब होगी ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है मैंने सिंबलाइज मतलब उससे कलर से दिखाया ग्रीन कलर से तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब का अंदर उन्होंने जो दाब रखा कोई गैस भर दी उस गैस के अंदर जो दाब रखा वो दाब रखा बहुत ही कम 0.001 मिलीमीटर मरकरी ठीक है बहुत कम दाब रखा और क्या किया उन्होंने एक प्लेट लगा दी कैथोड की और एक प्लेट लगा दी एनोड की कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं ठीक है तो एनोड को एनोड जो था एनोड परफोरेटेड होगा छिद्रित होगा ठीक है छिद्रित मतलब दिख रहा है ये मैंने इंडिगो कलर दिखा है आसमानी दिखाई है बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मतलब वो आर पार मतलब परफोरेटेड मतलब छोटी छोटी प्लेट्स हैं और बीच में जगह है निकलने की यहां से ठीक है तो देखिएगा क्या होगा ठीक है और इन दोनों को एनोड को और कैथोड को किसी हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया हाई वोल्टेज सोर्स से इसलिए जोड़ा यहां से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी इस डिस्चार्ज ट्यूब में ठीक है ठीक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं क्योंकि अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं इसलिए बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विसर्जन नली ठीक है तो यहां से हाई वोल्टेज सोर्स से जैसे ही इसे जोड़ेंगे यहां वैक्यूम पंप लगाया हुआ है जैसे ही इन दोनों को कैथोड एनोड को हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे तो होगा क्या हम ये नोटिस करेंगे कि इस कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं ठीक है थीके? और वो रेज कैसी है इनविजिबल कुछ रेज निकल रही है इनविजिबल रेज निकल रही है तो वो जब वो क्या करती है कैथोड से कहां की ओर को जा रहे हैं एनोड की ओर और, और एनोड की ओर को मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जा रही है और यहां पर जो छिद्र है इससे पार होकर यहां इस दीवार में हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही है अब देखिए पॉइंट कहां पर आया आपने बोला कि अगर ये इनविजिबल है अदृश्य है तो आपको पता कैसे चला कि ये किरणें निकल रही हैं हमें कैसे पता चलेगा जब वो दिख ही नहीं रही है तो पता भी नहीं चलना चाहिए तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो भी किरणें यहां से निकली वो इस इन छिद्रों से इन पोर्स से पार होकर यहां पर ग्रीन कलर की लाइट चमक होती है जैसे रेडियम चमकता है बिल्कुल वैसी लाइट इस सामने वाली दीवार पर लाइट एक क्या होता है फ्लोरी बोलते हैं उसको ठीक है हिंदी में बोलते हैं उत्पन्न करता है ठीक है तो यहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहा है तो हमने यही अनुमान नि, निकाला कि कैथोड से कोई किरणें निकल रही थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी तो कैसी थी इनविजिबल थी जो एनोड को पार करके जो छिद्र थे एनोड में उससे पार करके यहां पर चमक उत्पन्न करती है तो ये एक्सपेरिमेंट था इस एक्सपेरिमेंट के बिहा पर अदर साइंटिस्ट ने मिलकर भी कुछ पॉइंट निकाले कि ये कैथोड रेस के क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं तो उसको हम पढ़ेंगे ठीक है तो आ, जो एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस प्लकर ने उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कैथोड रेस की पहला ये जो आ, इसकी रेस की जो प्रॉपर्टी है इनमें स्टडी किया था विलियम क्रुक्स ने जेजी थॉमसन ने और जूलियस प्लकर ने भी किया था और और साइंटिस्ट भी थे ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी वो कहते हैं कि कैथोड रेस सीधी रेखाओं में चलती है अब ये कैसे पता चलेगा कि कैथोड रेस सीधी रेखाओं में चलती है तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसको मैं बस डायग्राम के माध्यम से यहां पर दिखा रही हूं आप देख लीजिए कि एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था उन्होंने क्या किया उसी डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ट्यूब ली है इस डिस्चार्ज ट्यूब के सामने ठीक है कैथोड कैथोड के कैथोर्ट के ठीक सामने यहां पर और एनोड से थोड़ा पहले उन्होंने एक क्या लगा दिया क्रॉस लगा दिया ठीक है क्रॉस मतलब एक का, लकड़ी का एक गुटका टाइप का लगा दिया ठीक अब क्या हुआ देखिएगा जब लाइट गुजरेगी आप एक काम करके देखिएगा आप क्या करेगा बंद अंधेरे कमरे में कोई एक ग्लास रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए या एक आप कोई बोतल रख लीजिए और बोतल के ठीक सामने किसी टॉर्च से लाइट डालिए उसके सामने से डालिएगा तो आप क्या देखेंगे उसकी छाया जस्ट पीछे पड़ रही है तो छाया जस्ट पीछे पड़ रही है इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इसलिए उसकी छाया जस्ट पीछे पड़ रही है तो इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने देखा जब क्रॉस कैथोड कैथोड के सामने ठीक क्रॉस लगाया तो उन्होंने देखा कि जब प्रकाश की किरणें निकली मतलब कैथोड सॉरी कैथोड रेज निकली तो उसकी छाया जो क्रॉस से टकराई होंगी अब क्रॉस तो लकड़ी का गुटका है ना तो क्या अगर प्रकाश सीधी, रे, सीधी रेखा में चल रहा है सॉरी कैथोड रेज सीधी रेखा में चल रहे हैं तो उसकी छाया कहां बननी -बन चाहिए उसके जस्ट पीछे तो डायग्राम में देखिए उसकी छाया जस्ट कैथो जो हमने लकड़ी का गुटका लगाया है जो क्रॉस लगाया है बिल्कुल उसके पीछे छाया बन रही है इसका मतलब है कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं से बनती हैं मतलब सीधी रेखाओं में चलती है ठीक है कैथोड रे रन इन अ स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट था कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है कैथोड रेस अप ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, ठीक है तो ये कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था पिन व्हील एक्सपेरिमेंट पिन व्हील एक्सपेरिमेंट में जैसे कि एक कोई वो है व्हील है ठीक है चक्र है कोई उसमें जब आप पत्थर से मारेंगे तो वो क्या होता है तेजी से क्या होता है घूमने लग जाता है ठीक है अगर मैं ये कहूं कि उस पिन पी, व्हील में जो चक्र है उसमें अगर मैं लाइट डालूंगी क्या वो अपने आप चलने लग जाएगा लाइट से प्रकाश से नहीं तो आपने कहा कि प्रकाश से नहीं चल रहा है तो लेकिन पत्थर मार रही हूं तो वो घूमने लग जा रहे हैं पत्थर एक कण है तो कण याद रखिएगा कण जब किसी पिन से टकराते हैं तो वो तभी घूमेगा तो अब कैथोड रेस के सामने इसी डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कै, ये कैथोड के सामने हमने क्या रख दिया यहां पर एक पिन व्हील लगा दिया तो जैसे हमने पिन व्हील लगाया तो क्या हुआ कैथोड रेस जैसे ही उसमें से गुजरी ठीक है तो वो पिन व्हील अपने आप चलने लग गया तो हमने क्या अनुमान लगाया हमें पता था केवल वह कर्ण टकराएंगे तब जाके पिन व्हील चलेगा तो कैथोड रेस जैसे उससे पार हुई तो जो चक्र था तेजी से घूमने लग गया तो हमने उसके बिहार पर उस एक्सपेरिमेंट के भी हाँ पर यह अनुमान लगाया कि ये स्मॉल कंपोनेंट uh, से मिलकर बनी है कैथोड छोटे छोटे कणों से और ऐसे कण जो हमें दिखाई नहीं देते अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका पॉइंट है ठीक है प्रॉपर्टी कैथोड किरण चुंबकीय मैग्नेटिक और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में विक्षेपित होती है कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया सॉरी मैं यहां पर वो बनाना भूल गई हाई वोल्टेज सोर्स तो समझ लीजिए कैथोड एनोस को हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया तो हुआ क्या देखिए तो कैथोड एनोड से कनेक्ट कर दिया है मतलब हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया उसके बाद हमने क्या किया कैथोड और एनोड के ठीक बीचों बीच दोनों साइड हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया मतलब इनसे ज्यादा ज्यादा पावर वाली नेगेटिव प्लेट और इनसे ज्यादा वाली पॉजिटिव प्लेट हमने बीचों बीच में लगा दी अब होगा कि जैसे इन दोनों को हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी और कैथोड रेज क्या होगा कैथोड रेज सीधी नहीं चलेंगी क्यों कैथोड रेस कहां से जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मतलब ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होती है लेकिन इस पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसको यहां पर मिल गया पॉजिटिव इससे ज्यादा हाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इससे ज्यादा पावरफुल होगा तो नेगेटिव किसकी ओर को अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी ओर को जाएगा ठीक है एक प्रकार से सोचो आप यहां से चल रहे हो यहां पर आपको क्या दिख रहा है यहां पर एक पिज्जा रखा हुआ दिख रहा है यहां पर आपको पांच पिज्जा रखे हुए दिखेंगे तो आप सीधे जाएंगे कि इधर को मुड़ेंगे तो आप इधर को मुड़ेंगे ना तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होता है तो ये जो भी रेज है वो यहां की ओर को जाएंगी और यहां पर दीवार में क्या करेंगे चमक उत्पन्न करेंगी तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि ये जो किरणें हैं जो ये रेज हैं ये क्या कर रही है ये किन कणों से मिलकर बनी है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है तभी तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर को अट्रैक्ट होता है ना अगर इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता तो इसकी ओर को क्यों जाते हैं या इसकी ओर किसी की ओर भी नहीं जाता है ना तो क्योंकि कैथोड किरणें छोटे कणों से बनके बनी है और वो कण ऋण आवेश है नेगेटिवली चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव की ओर को अट्रैक्ट होते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है हमारा और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैथोड किरणें कांच की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है ऐसे ही अगर हम धातु की एक पतली सी पन्नी लगा दें कैथोड के सीठी सामने तो क्या होता है वो जो धातु की पतली है वो गर्म हो जाती है गर्म हो जाती मतलब इनके डेसेंस या इसको हम कह सकते हैं तापदीप्त तो प्रोसेस कहते हैं इसको कि वो क्या करती है धातु की पतली पन्नी को गर्म कर देती है तो हम कह सकते हैं ये जो कैथोड किरणों की जो गतिज ऊर्जा है वो उस धातु से टकरा के किस में बदल गई ऊष्मीय ऊर्जा में ध्यान रखिएगा ये जो जो पॉइंट बोल रही हूं ये मैंने लिखे नहीं है आपको सारी चीजें नोट करनी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है नेक्स्ट पॉइंट है धातु की अत्यंत पतली पन्नी को पार करके आर पार निकल जाता है अगर धातु जो हमने पन्नी लगाई है वो बहुत ज्यादा पतली है तो क्या करेगा जो कैथोड रेज होंगी उस पन्नी को पार करके आर पार निकल जाएंगे निकल जाएगी नेक्स्ट है अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था ये वाला इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस रखी है तो वो गैसें जो भी उपस्थित है जैसे हाइड्रोजन हो क्लोरीन हो एच हो जो भी गैस इसके अंदर होगी उसको क्या करेगी ये जो कैथोड रेज निकल रही है वो आयनित कर देगी जैसे एच सी एल एच पॉजिटिव सीएल निगेटिव ठीक है ऐसे करके गैसों को आयनित कर देगी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्स ये जो कैथोड रेज है ये क्या करती है किसका निर्माण करती है एक्स रे उत्पन्न करती है ठीक है लेकिन कब उत्पन्न करेंगे उसका रीजन है जब एक्सरे किसी उच्च गलनांक वाली धातु से टकराएंगे और सबसे ज्यादा उच्च गलनांक वाली धातु कौन है पीरियोडिक टेबिल में कौन है सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है वो होता है टंगस्टन का डब्लू का आपको पता है जो आ, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें जो वायर लगी रहती है वो किसकी होती है टंगस्टन की होती इसलिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसलिए उसकी लाइफ थोड़ा ज्यादा रहती है ठीक है टंगस्टन का तो वहां की उसमें गिरेंगे टंगस्टन में गिरने के बाद तो एक्सरे का निर्माण होगा और यही एक्सरे क्या करती है धातु की पतली पन्नी को पार करती है नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैथोड रेस अब इन एक्सपेरिमेंट जो भी हमें पता चला है इसके बारे में कैथोड के बारे में तो इनकी प्रकृति कैसी होती है तो ये जो इसका नेचर है इस पे जे जित उनसे ने एक्सपेरिमेंट किया और इतनी चीजों के आधार पर जो भी चीजें उन्हें पहले बेसिक पता थी उसके आधार पर उन्होंने कुछ पॉइंट बताए पहला उन्होंने बोला जो भी हमने जो एक्सपेरिमेंट किए है उसके बिहाब पर उन्होंने बोला कि कैथोड रेज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ठीक है तो कैथोड रेज ऋणावेश कणों से बना है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो हम ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज ठीक है कैथोड रेस के साथ ही नेक्स्ट कैथोड किरणों के कणों के लिए आवेश इसे इंडिकेट किया है द्रव्यमान एम से इंडिकेट किया है का अनुपात सार्वत्रिक नियतांक होते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज ई एंड मास ऑलवेज बी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट फॉर रेस ठीक है आपको ध्यान रखना है कि कैथोड रेस के लिए जो अगर हम क्या करें कैथोड रेस के जो पार्टिकल्स है उनके लिए चार्ज बाई मास का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा एक ही आएगा चाहे वो किसी भी गैस के लिए यूज करें तो हम कहते हैं कि गैसों के नेचर पर डिपेंड ये नहीं करेगा इस पॉइंट को भी लिख लेना कि ये जो कैथोड रेज है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती कौन सी आपने गैस भरी है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यह हमेशा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट आता है पुंज को क्या कहते हैं उसको भीम हाँ। तो आप कहेंगे कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होती है बाई एम का वैल्यू क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉनों से बनी रहती है ठीक है अब बात करते हैं इसको मैं ज्यादा आगे नहीं बता रही हूं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला ठीक है अब बात करते हैं आगे एक साइंटिस्ट थे आर ए मिलीकन उन्होंने क्या किया इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन करने के लिए और एक मेथड ली ऑयल ड्रॉप मेथड उसे कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टिक में आएगा भी तो कहेंगे ऑयल ऑयल ड्रॉप मेथड इज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट का नाम देंगे तो ध्यान रख लेना आर ए मिलिकन इन्होंने अकेले किया था अब है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कैथोड रेस का ओरिजिनेशन कैसे होता है मतलब कैसे ओरिजिनेट होती है ओरिजिने ओरिजिनेशन ऑफ कैथोड रेस तो कैसे होती है देखिएगा आप सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें डिस्चार्ज ट्यूब ली गई पता है डिस्चार्ज ट्यूब तो देखिए सबसे पहले आप क्या लेंगे ये डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस भर दी मान लीजिए एच लिख दीजिए कोई भी गैस ठीक है अब वो गैस मान लीजिए ए भी कोई गैस है ठीक है उस गैस को ये कैथोड्रेज आयनित करेंगे ठीक है तो वो गैस आयनित हुई तो वो गैस आयनित होंगी पहले ऐसे सोचिए इसके अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस है मान लीजिए वो ए बी गैस है अब वो गैस आयोनाइज होगी आयनित होगी तो जैसे वो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में आयोनाइज हो गई ठीक है ठीक है तो क्या होगा जब वो आयोनाइज होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी मान लीजिए ए ए कोई गैस है उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ठीक है इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ए पॉजिटिव और उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये जो ए पॉजिटिव है आयोनाइज होने के बाद वो गैस बदल जाएगी सी पॉजिटिवली चार्ज सीज में तो वो ए पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी अब ये ए पॉजिटिव किसकी ओर को अट्रैक्ट होगा निगेटिव प्लेट की ओर तो ये जो गैस आयनित हुई थी उस गैस का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसकी ओर को मूव करेगा वो मूव करेगा नेगेटिव प्लेट मतलब कैथोड की ओर को और बहुत स्पीड से यहाँ टकराएगा कैथोड पे और जैसे ही इस कैथोड पे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन मतलब कैटायन टकराएगा कैथोड पे तो कैथोड भी तो धातु से ही बना है ना और धातु की प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये भी मैं पढ़ाऊंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जैसे लाइट टकराती है क्योंकि जो मेटल uh, होता है कोई भी धातु होता है वो क्या होता है उसमें उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी आपने पढ़ाई होगी कि मेटल इज अ सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन ठीक है तो मेटल uh, में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड नहीं रहते वो सब चीजें मैं बताऊंगी बेसिक से आपको तो क्या होगा जैसे ही ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बने थे ना किसी गैस को टूटने के बाद तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज केट आयन बने थे वो बहुत स्पीड से आएंगे इस निगेटिव प्लेट कैथोड की ओर को टकराएंगे क्योंकि कैथोड धातु से बना है मेटल से बना है इसलिए मेटल क्या करेगा जैसे कैटायन मेटल पे टकराएगा ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना लग जाएगा ठीक है तो इस मेटल से क्योंकि मेटल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बहुत से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो क्या करेंगे मतलब क्या है ढेर एक प्रकार से ये सोचो बंच इलेक्ट्रॉन का बहुत सा बंच निकला और निकलने के बाद वो क्या करने लग गया जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले नेगेटिव चार्ज वो किसकी ओर को अट्रैक्ट होने लगे पॉजिटिव और वो बहुत स्पीड से इस डायरेक्शन में जाने लगे एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बहुत सा निकलेगा ठीक है तो बहुत से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो सारे के सारे वो टकराएंगे इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एनोड की ओर को और वही इलेक्ट्रॉनों का जो बंच है जो एनोड की ओर को मूव कर रहा है हाई स्पीड से उसी को हम कहते हैं कैथोड रेस तो आपको पता चल गया कि कैसे कैथोड रेस ओरिजिनेशन इनका हो रहा है तो आज हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी और एनो और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया है इसमें जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं मैंने इसमें शो कर रखे हैं और जो मैं केवल बोले हैं वो आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा अलग से क्योंकि पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी हमें इसलिए पढ़ है क्योंकि न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसका हमें बेसिक पता हो तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो आज के लिए इतना ही कीप वॉचिंग एंड बाय बाय